हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस कॉर्जियस। मैं हूं अमनदीप और आज की वीडियो होने वाली है हमारी हेयर केयर के ऊपर। तो आज की वीडियो में मैं दूंगी आपको 15 टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपके हेयर होंगे लॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, स्मूथ एंड ब्यूटीफुल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टिप नंबर 1 ये है कि हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए और हमारा वाटर इनटेक ज्यादा होना चाहिए। आई नो आपको ये सब बहुत क्लीशे लगेगा, बट वाटर इनटेक हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर हम प्रोटीन रिच फूड खाएं तो उससे हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो काफी जल्दी होती है और हमारी हेयर की कंडीशन काफी अच्छी रहती है। सेकेंड टिप हमारा ये है कि हमें अपने हेयर की ऑयलिंग करनी चाहिए। ऑयलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये हम सब लोग जानते हैं, बट अगर आपको हेयर ऑयल लगाने का टाइम नहीं मिलता है, स्टिल कोशिश करिए 2x इन अ वीक हेयर ऑयल लगाइए, बट अगर वो भी नहीं होता तो 1x इन अ वीक तो मस्ट है। और शैम्पू करने से आधा घंटा पहले तो हेयर ऑयल आप लगाइए ही लगाइए, उससे आपके बाल काफी स्मूथ और फ्रिज फ्री रहते हैं। थर्ड स्टेप हमारा ये है कि हमें हेयर वॉश कितना करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको जो है 5 दिन में एक बार जो है हेयर वॉश करना चाहिए, इससे ज्यादा हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर हम ज्यादा फ्रीक्वेंटली हेयर वॉश करते हैं तो उससे हमारे हेयर के जो नेचुरल ऑयल है वो स्ट्रिप होते हैं, जिससे हमारा स्कैल्प जो है इतना हेल्दी कंडीशन में नहीं रहता है। इसी से हमारे बालों की कंडीशन जो है डिसाइड होती है। इसके अलावा आई कैन अंडरस्टैंड कुछ लोगों का स्कैल्प काफी ऑयली होता है, जैसे मेरा स्कैल्प ड्राई है तो इतना मुझे दिक्कत नहीं होती, बट कुछ लोग मिस नहीं कर सकते ज्यादा शैम्पू को अवॉइड करना। तो उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि वो ड्राई शैम्पू यूज करें। ड्राई शैम्पू आजकल बहुत इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, तो आप ड्राई शैम्पू यूज कर सकते हैं। शैम्पूज में मेरे लिए जो मेरे हेयर पे वर्क करता है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो अभी तो मैंने रिसेंटली अपने बालों में स्मूथनिंग और कलर करवाया है, बट उससे पहले से मैं लॉरियल यूज कर रही हूँ। लॉरियल मैं 5-6 साल से यूज कर रही हूँ एंड ये मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो मैं लॉरियल का ही शैम्पू यूज करती हूँ एंड लॉरियल का ही कंडीशनर यूज करती हूँ। इसके अलावा मैंने सनसिल्क भी ट्राई कर रखा है। तो सनसिल्क का ये जो कंडीशनर है येलो वाला वेरियंट, ये वाला शैम्पू भी मैंने यूज किया हुआ है, ये भी अच्छे से वर्क करता है। नाउ जैसे मैंने बताया कि मैंने बालों में कलर करवाया है, तो जो मेरे हेयर स्टाइलिस्ट है उन्होंने मुझे ये वाला शैम्पू सजेस्ट करा है, लावीवो का, इफ यू कैन सी। और कंडीशनर में उन्होंने मुझे ये सजेस्ट करा है, ये भी लावीवो का है। इसके अलावा भी जो केमिकली ट्रीटेड हेयर होते हैं उनपे लॉरियल के प्रोडक्ट्स भी काफी अच्छे से वर्क करते हैं, तो पहले मैं ये यूज करती थी, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शैम्पू की टेक्निक की। शैम्पू हमें कभी भी ऐसे रब नहीं करना है अपने बालों में। शैम्पू को हमें हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सॉफ्ट हाथों से ऐसे मूव करना होता है। साथ ही साथ शैम्पू आपको थोड़े अमाउंट में लेना चाहिए, बहुत सारा नहीं लेना चाहिए अपने हेयर लेंथ देख के, बिकॉज आपको शैम्पू सिर्फ स्कैल्प में करना होता है। उसके अलावा जो भी है नीचे के पार्ट पे शैम्पू अपने आप आ जाता है जब आप उसको रिंस कर रहे होते हैं, तो आपका जो शैम्पू है वो ऑलरेडी आपके नीचे के बालों को क्लीन कर देगा। तो ये टेक्निक है शैम्पू करने की। फोर्थ स्टेप है कंडीशनर। तो काफी लोग कंडीशनर मिस करते हैं, कंडीशनर्स को कभी मिस नहीं करना चाहिए। कंडीशनर हमें हमेशा हमारे बालों में लगाने चाहिए। एंड कंडीशनर लगाते टाइम लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपने एंड्स के साथ साथ अपने स्कैल्प पे भी कंडीशनर लगा लेते हैं, बट हमें स्कैल्प पे कंडीशनर नहीं लगाना होता, क्योंकि इससे हमारे बाल ऑयली हो जाते हैं एंड ऑयली हो जाएंगे तो वो जल्दी गंदे होंगे, डर्ट पॉल्यूशन वो सब अट्रैक्ट करेंगे। तो हमें सिर्फ अपने एंड्स पर ही कंडीशनर लगाना होता है और उसे 2 से 5 मिनट तक छोड़ना होता है। उसके बाद हमें नॉर्मली उसे रिंस कर लेना चाहिए। फिफ्थ स्टेप है हमारा सेरम्स एंड लिव इन कंडीशनर्स। सो लिव इन कंडीशनर्स और सेरम्स हमें हमेशा, जैसे हम शैम्पू करते हैं तो हमारे हेयर जब डैम्प होते हैं तभी हमें उसे लगा लेना चाहिए एंड देन हमें कॉम्ब करना चाहिए। तो उससे अगर हमारे बालों में कोई भी टैंगल्स होते हैं या अड़कने होती हैं वो जल्दी आपकी जो है स्मूथली जो कॉम्ब है वो स्लाइड करती है और वो काफी इजिली डिटैंगल कर देते हैं आपके हेयर को, तो आपको वो मिस नहीं करना चाहिए। और दूसरे, जैसे कभी आप बाहर जा रहे हैं और आपके बाल काफी ज्यादा फ्रिजी लग रहे हैं तो आप 1 से 2 ड्रॉप सेरम लेके अपने एंड्स पे लगा लीजिए, आपके बाल काफी बेटर लगते हैं। तो ये ट्रिक मैं यूज करती हूँ जब मेरे बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हो रखे होते हैं, तो आप ये टिप भी आप यूज कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि जब भी हम शैम्पू करते हैं, शैम्पू करने के बाद कभी भी अपने बाल को टाल से जोर से रगड़ना नहीं होता, कभी भी मत रगड़िए, क्योंकि उससे आपके बाल टूटते भी हैं और जो है वो जड़ों से कमजोर हो जाते हैं, जो हम नहीं चाहते। तो इसके लिए हमें या तो 100% कॉटन की कोई टी शर्ट आपकी हो उसे लेके अपने बालों को ऐसे करके स्क्रंच करना होता है, आपको ऐसे रगड़ना नहीं है। फाइबर टॉवल यूज कर सकते हैं अपने बालों के लिए, तो ये भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि जब भी हम हेयर वॉश करते हैं हमें ब्लो ड्राई नहीं करने चाहिए, हमें अपने जो हेयर है उन्हें नेचुरली ड्राई होने देना चाहिए। बिकॉज ब्लो ड्राई यूज करने से भी हेयर की कंडीशन काफी खराब होती है और जो हमारा स्कैल्प है वो ड्राई होता है। तो प्लीज ट्राई करिए, अगर आपके पास टाइम है तो उन्हें नेचुरली ड्राई होने दीजिए। मैं भी उन्हें हमेशा नेचुरली ड्राई होने देती हूँ, मैं कभी भी ब्लो ड्राई नहीं यूज करती चाहे मैं कितनी भी लेट हो रही हूँ। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर सेवेंथ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट ये है कि आपको डेली कॉम्ब करनी चाहिए, चाहे आप घर पे हैं, पैंडेमिक है, जो मर्जी है, लेकिन हमें रोज कॉम्ब करना चाहिए। बिकॉज कॉम्ब करने से हमारी जो हेयर की ब्लड सर्कुलेशन, जैसे हमारे स्कैल्प है, तो अगर हम कॉम्ब करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहती है जिससे हमारे हेयर जल्दी ग्रो करते हैं। साथ ही साथ एक आपको मैं प्रो टिप देना चाहूंगी कि अगर आप जैसे अगर आप कॉम्ब यूज करते हैं तो आप अगर वुडन कॉम्ब ले आए तो बहुत अच्छा रहता है। वुडन कॉम्ब आपके बालों के लिए काफी अच्छी होती है, तो आप अपनी नॉर्मल कॉम्ब से वुडन कॉम्ब में भी स्विच कर सकते। एट्थ पॉइंट ये है कि आप जो भी स्टाइलिंग टूल्स हैं उन्हें कम से कम यूज करिए। जैसे हम स्ट्रेटनर्स यूज करते हैं, कर्लर्स यूज करते हैं, बिकॉज उनसे काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और जो हमारे बालों को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। तो जितनी भी बार आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं करिए, बट अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो प्लीज हीट स्टाइलिंग, जैसे उससे पहले क्रीम्स वगैरह आती हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं, वो जरूर लगाएं ताकि आपके बालों को ज्यादा डैमेज ना पहुंचे। तो ये भी मस्ट स्टेप है। इसके बाद नाइन्थ पॉइंट ये है कि आप जैसे जो भी पिलो केसेस यूज करते हैं, अपने कॉटन पिलो केसेस को आप नॉर्मली स्विच कर सकते हैं सिल्क पिलो केसेस के साथ, बिकॉज सिल्क पिलो केसेस काफी जेंटल होते हैं हमारे हेयर के लिए, जिससे हमारे हेयर में फ्रिक्शन काफी कम होता है और बाल बहुत कम टूटते हैं और उनमें फ्रिज भी नहीं आता है। टेंथ पॉइंट ये है कि हमें कितनी बार बाल कटवाने चाहिए साल में। हम लोगों ने नॉर्मली सुना है कि रेगुलर ट्रिम्स लेनी चाहिए, उससे मतलब बाल हेल्दी रहते हैं, स्प्लिट एंड्स वगैरह निकल जाते हैं, बट मेरे ओपिनियन में ज्यादा हेयर नई ट्रिम करवाने चाहिए। लाइक ट्वाइस इन अ ईयर बेटर रहता है क्योंकि उससे आपके हेयर जल्दी ग्रो करते हैं। तो अगर आप हेयर ग्रो करना चाहते हैं तो बार बार ट्रिम्स मत लीजिए, अदरवाइज जो आपकी लेंथ है वो इतनी जल्दी नहीं बढ़ पाती है। तो ट्वाइस इन अ ईयर बेस्ट रहता है हेयर ट्रिम करवाने के लिए। 11th पॉइंट ये है कि हम सबने सुना हुआ है कि हमें हमेशा कोल्ड वाटर से शैम्पू करना चाहिए, बट नहीं, हमें ल्यूक वार्म वाटर से जो है शैम्पू करना चाहिए, वो बेस्ट होता है हमारे हेयर के लिए। बट हाँ, जब हम एंड में, जैसे जो हमारा एंड का जो हम वाटर का रिंस करते हैं, वो लास्ट रिंस हमारा कोल्ड वाटर से होना चाहिए, बट पूरा टाइम जो हम शैम्पू कर रहे होते हैं वो हमारा ल्यूकवार्म वाटर से करना चाहिए, वो बेटर रहता है हमारे हेयर के लिए। लास्ट में हमें कोल्ड वाटर रिंस क्यों लेना चाहिए, वो इसीलिए होता है कि जब हम अपने हेयर को शैम्पू करते हैं तो सारा डर्ट, ऑयल, जितना भी बैक्टीरिया वगैरह होता है वो निकल रहा होता है। उसके बाद जब हम कोल्ड वाटर डालते हैं तो जो हमारे पोर्स ओपन हुए होते हैं या फॉलिकल्स ओपन हुए होते हैं वो वापस से बंद हो जाते हैं, इसलिए लास्ट रिंस हमारा कोल्ड वाटर का होना चाहिए। 12th पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं हेयर मास्क नहीं लगाते हैं, बट हेयर मास्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एटलीस्ट ट्राई किया करिए कि आप 15 दिन में तो एक बार हेयर मास्क लगा सकें, बट अगर आप ज्यादा लगा सकते हैं तो और भी बेटर है। तो हेयर मास्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हेयर मास्क आजकल मार्केट में इतने अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं, एंड काफी सारे तो आप घर पे भी बना सकते हैं, जैसे बनाना से, कर्ड से, एग से, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं जो होम रेमेडीज है। अगर आप चाहते हैं तो उनके लिए भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी, मुझे कॉमेंट्स में बता दीजिएगा अगर आपको हेयर मास्क रेसिपीज चाहिए तो। 13 पॉइंट ये है कि अगर आपके बाल, जैसे कि आपके बाल अगर बहुत ड्राई हैं, फ्लेकी हैं, स्कैल्प आपका और डैंड्रफ की प्रॉब्लम आपको रहती है, तो जब आप शैम्पू लगा लेते हैं, कंडीशनर लगा लेते हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे जो मग है उसमें एक ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर डाल सकते हैं, उसको मिक्स करिए एंड अपने बालों पे डाल दीजिए, उसको अच्छे से अपने स्कैल्प पे मसाज करिए एंड उसको 2 से 3 मिनट तक रहने दीजिए, देन उसको वॉश कर लीजिए। इससे जिनकी भी फ्लेकी स्किन होती है, डैंड्रफ होता है, काफी हद तक फर्क पड़ता है। अदरवाइज अगर आपको अपने बालों को स्मूथ करना है, मतलब आपको कोई डैंड्रफ का इश्यू नहीं है बट आपके बालों को स्मूथ हेल्दी करना है, तो उसके लिए आप राइस वाटर का रिंस कर सकते हैं एंड में कंडीशनर के बाद। तो उसके लिए भी नॉर्मल राइस वाटर जैसे बनता है उसके लिए भी मैं आपको रेसिपी बता दूंगी। आपको नॉर्मल चावल जो होते हैं घर पे, उसको आपको भिगो के रखना है लाइक 4 से 5 घंटे, और उसके बाद स्ट्रेन कर लेना है उस पानी को। उस पानी को आप 1 हफ्ते तक यूज कर सकते हैं, बट जितना जल्दी यूज कर लीजिए बेटर रहता है, अदरवाइज उसमें से काफी ज्यादा पंजेंट स्मेल आने लग जाती है। तो उसको भी अगर आप यूज करते हैं तो आपके हेयर काफी स्मूथ होते हैं, एंड उसको भी डालने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद नॉर्मल पानी उसके ऊपर आपको डाल के उसे निकाल लेना है, उसे रहने नहीं दे। 14 पॉइंट ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल जल्दी जल्दी ग्रो हो और काफी हेल्दी हो तो उस केस में आप 1 टेबलस्पून मेथी दाना लीजिए, 1 ग्लास पानी लीजिए, मेथी दाने को पानी में डालिए और ओवरनाइट सोक होने दीजिए। जब वो पूरी रात सोक हो जाएगी, उसके सारे जो अच्छे गुण हैं वो पानी में आ जाएंगे, तो आप उसको सुबह स्ट्रेन करके पानी को पी सकते हैं। ऐसा डेली करने से काफी आपके बालों में फर्क पड़ता है। एंड अगर आप मेथी दाना चबा के साथ साथ खा सकते हैं वो और भी अच्छा होता है, बट काफी लोग नहीं खा पाते, तो नॉर्मल वाटर आप उसका पी सकते हैं डेली बेसिस पे। साथ ही साथ मैं आपको ऑयलिंग के लिए भी कुछ टिप्स बता देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑयल और भी इफेक्टिवली वर्क करे, तो उस केस में आप ऑयल में कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने ऑयल में एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड कर सकते हैं। और अगर आप अपने ऑयल को थोड़ा गर्म करके लगाते हैं, तो उस केस में जब आप अपने ऑयल को गर्म कर रहे होते हैं, आप उसमें कड़ी लीव्स डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता जो होता है आप वो डाल सकते हैं, और आप शू फ्लावर भी डाल सकते हैं, जिसे हिंदी में हम गुड़हल का फूल कहते हैं, वो भी काफी इफेक्टिव होता है आपके बालों के लिए। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट दी लीस्ट हमारा 15th पॉइंट कि अगर आपके लिए कोई भी होम रेमेडी वर्क नहीं कर रही है, तो आप हेयर सप्लीमेंट्स भी लेके देख सकते हैं। हेयर सप्लीमेंट्स आजकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं एंड उनके काफी अच्छे बेनिफिट्स लोगों को मिलते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज डॉक्टर से पूछकर ही आप हेयर सप्लीमेंट्स लीजिए, क्योंकि कई बार वो किसी को सूट नहीं करते हैं, तो वो जरूर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आप लीजिए, बट हेयर सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, एंड अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। बाय गाइस।